गुड इवनिंग टू यू ऑल। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट हमारा आप लोगों से होगा कि अपने माइक को ऑफ कर लें और अपने कैमरा को भी ऑफ कर लें, इसलिए क्योंकि उस स्थिति में मतलब बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होगा तो उसमें परेशानी आपकी बढ़ सकती है। नंबर वन। नंबर टू, अपने सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि 99% हमारे एंड पर कनेक्टिविटी की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो अगर वीडियो नहीं जा पा रहा है, अगर ऑडियो में कहीं पर समस्या आ रही है, तो इसका मतलब है कि अनदर एंड पर परेशानी आ रही है, ठीक है? हमारे एंड पर एक ही स्थिति में परेशानी आ सकती है, जब लाइट चली जाए। तीसरी चीज, शुरू करने के पहले मैं कहना चाहूंगा कीप पेशेंस, ये मेरा पहला मैसेज है इस पूरे के पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम के तैयारी के लिए। और जो लगातार मैं महसूस कर रहा कि कहीं ना कहीं आपके पास हर कुछ है, सब कुछ मौजूद है सिवाय इस पेशेंस के। और अगर इम्पेशेंट होंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। तो इसलिए बंधु, कोई शॉर्टकट हमारे पास ऐसा नहीं है जो शॉर्टकट आपको दे दें और उस शॉर्टकट से आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। हम लोग यहां इकट्ठे हुए हैं साथ चलने के लिए। जो साथ चलेंगे वो हमेशा मुझे अपने साथ पाएंगे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कृपया म्यूट कर लें। जो साथ चलेंगे वो मुझे भी अपने साथ खड़ा पाएंगे। जो चलने में असमर्थ होंगे उनको दूर दूर तक मैं भी नहीं दिखूंगा। पांचवी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, वह कि आप क्या सोचते, आप क्या नहीं सोचते, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। हमारे लिए जो प्राइमरी है, उस मैसेज को कन्वे आप तक करना, जो मैसेज पूरे के पूरे एक इंटरव्यू ही के रूप में आपसे एक्सपेक्टेड है। अब मैं वापस लौटता हूं अपने बिंदु पर, और अपनी चर्चा शुरू करने के पहले सार्थक संवाद परिवार की ओर से आप सबको मुख्य परीक्षा में सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं, और आने वाली जो चुनौतियां आपके सामने हैं उन चुनौतियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी ओर से जो इंश्योर कर सकता वह यह कि आपको जब जहां पर जैसे मेरी जरूरत होगी हम आपके लिए उपलब्ध हैं। दूसरी चीज, अपने प्रोग्राम के बारे में मैं क्लियर कर दूं कि हमारा प्रोग्राम कंप्रिहेंसिव पैकेज है। हमारी प्राथमिकता ऑफलाइन प्रोग्राम है, लेकिन करेंट जो सिनारियो है उस करेंट सिनारियो में ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए, चाहे वो मॉक हो चाहे वो क्लासरूम प्रोग्राम हो, ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए हम संस्थान की ओर से कोई कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। हाँ, यह जरूर कहेंगे कि ऑफलाइन के लिए जैसे ही स्थितियां अनुकूल होंगी ऑफलाइन सुविधाएं भी आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो मेरे ख्याल से यह आपसे आग्रह होगा कि आगे
इस पहलू पर कम से कम ग्रुप में चर्चा ना हो, जहां भी संभावना होगी हमारी लगातार उस पर नजर है, वी विल रेस्पॉन्ड एट दैट पॉइंट। आज का यह सेशन जो है, इस सेशन में हम आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहे हैं वह यह कि यह जो पर्सनालिटी टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, यह पर्सनालिटी टेस्ट अब तक प्री और मेंस के स्टेज से जो बाहर आए हैं उससे किस प्रकार अलग है, और इसी क्रम में हम इस बात की आपके साथ चर्चा करेंगे कि इस पर्सनालिटी टेस्ट जो है, जो स्टेट पीसीएस स्पेशली बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, वह यूपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले इंटरव्यू से किस प्रकार भिन्न है। और आप में से कई लोग होंगे जो कॉरपोरेट बैकग्राउंड से होंगे, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, तो अगर उनके कंटेक्स्ट में कहूं तो कॉरपोरेट सेक्टर में जो इंटरव्यू होते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के इंटरव्यू से सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू किस तरीके से अलग है। फर्स्ट राउंड में हम इसकी चर्चा करेंगे। सेकेंड राउंड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि आप सिविल सेवक की भूमिका में हैं, सिविल सेवक की भूमिका आपसे अपेक्षित है, तो एक सिविल सेवक के रूप में आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, और एक सिविल सेवक के रूप में आपसे जो एक्सपेक्ट किया जाता है उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए, किन क्वालिटीज को आप में तलाशा जाएगा, इस पहलू पर हमारी चर्चा होगी। इस क्रम में सरकार की नीतियों को लेकर के आपका रुख क्या होना चाहिए, इस पहलू पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थर्ड स्टेज में जब हम आएंगे अपने प्रोग्राम में, तो थर्ड स्टेज में हमारी इस बात पर आपके साथ चर्चा होगी कि इंटरव्यू के कंपोनेंट क्या क्या हैं, और इंटरव्यू के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट में हमारा उन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, प्रश्न की क्या अहमियत है, जवाब की क्या अहमियत है, और क्या जवाब के मायने वही हैं जो आप समझ रहे हैं, या उससे अलग भी जवाब के मायने हैं। फिर मैं इंटरव्यू बोर्ड के आपके प्रति रवैये पर विस्तार से चर्चा करूंगा, और इन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के पश्चात नेक्स्ट स्टेज में कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमारा वहां पर क्या रोल है, आपका क्या रोल है, आपसे किस प्रकार के एक्सपेक्टेशन हमारे हैं, और देन विस्तार से इस पहलू पर चर्चा होगी कि पूरी इंटरव्यू की तैयारी के क्रम में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए और कहां पर उलझने से परहेज करना चाहिए। आज का पूरा जो हमारा इंटरव्यू का सेशन है, उस सेशन में हम इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं लौटता हूं पर्सनालिटी टेस्ट से। व्हाट इज पर्सनालिटी टेस्ट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेस्ट यू हैव गिवन एट द स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी एंड यू हैव गिवन एट द स्टेज ऑफ मेंस। तो एक जनरल क्लासिफिकेशन आप देखते हैं कि जो पीटी एग्जाम होता है वह पीटी एग्जाम नॉलेज टेस्ट है, और वो जो नॉलेज टेस्ट होता है उसमें फैक्ट फैक्चुअल नॉलेज की अहम भूमिका होती है। मेंस एग्जाम जो होता है वो नॉलेज टेस्ट का एडवांस स्टेज है, जिस एडवांस स्टेज में फैक्ट्स की भूमिका कम हो जाती और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की भूमिका महत्वपूर्ण होती चली जाती। और जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, इट इज टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, लेकिन ये जनरल क्लासिफिकेशन है। अगर आप थोड़ा सा
विस्तार में जाकर के देखें और थोड़ी गहराई से जाकर के देखें तो हर एग्जामिनेशन जो है टेस्ट ऑफ फैक्ट है, नॉलेज है फैक्ट के कंटेक्स में। हर स्टेज का एग्जाम टेस्ट ऑफ नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट में, कंटेक्स में, कॉन्सेप्ट के कंटेक्स में। और हर स्टेज मतलब हर टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट जो है, हर स्टेज ऑफ एग्जाम जो है अपने आप में पर्सनालिटी टेस्ट है। बस फर्क जो पड़ता है वह यह कि इनके बीच का प्रोपोर्शनल बैलेंस जो है वह बदलता रहता है। नंबर वन, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो इंटरव्यू के स्टेज में जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट होना है और उस टेस्ट में आपकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई किया जाना है। एक और सिविल सेवकों में क्या गुण होने चाहिए वो उनके सामने पैरामीटर मौजूद हैं, उनमें कौन से गुण आपके पास मौजूद हैं और क्या आप में कोई ऐसी नेटिव क्वालिटी भी मौजूद है जो जिनमें, और सिविल सर्विसेज के रूप में आपसे जो रोल एक्सपेक्टेड है उसमें कोई इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है। इस पहलू पर विस्तार से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें यह पर्सनालिटी टेस्ट होगा कैसे, अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल के बारे में उन्हें पता करना, क्योंकि मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज सर्वेंट में कुछ बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी को कहा जाता है सत्यनिष्ठा। सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्वेंट में जो है कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में सर्वेंट में टीम स्पिरिट होनी चाहिए। सिविल सर्वेंट्स में अगर आप जाकर के देखें तो ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो सवाल यह पूछा जाए आपसे कि आप ईमानदार हैं, आप मेहनती हैं, आप में इंटीग्रिटी है, कोई ये कहेगा कि हम ईमानदार नहीं हैं? तो कहीं ना कहीं जिन गुणों की, एक प्रशासक के रूप में जिन गुणों की जरूरत है उन गुणों को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं प्रश्न पूछ करके, और उन प्रश्नों को आप किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे, आपका वह रेस्पॉन्स, आपकी रेस्पॉन्स क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस रेस्पॉन्स के जरिए आपके कैरेक्टर के, आपकी पर्सनालिटी के कौन से पहलू उभर करके आ रहे हैं, यह चीजें वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ये काउंट करते कि इंटरव्यू में हमसे इतने प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों का, इतने में इतने प्रश्नों का हमने जवाब दिया, अगर 70% प्रश्नों का जवाब दिया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 70% के नियर अबाउट मार्क्स मिलने चाहिए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपकी दृष्टि में क्या होता, जहां आप रिप्लाई कर रहे हैं उसको रिप्लाई मान रहे हैं, लेकिन जहां पर आप सॉरी बोल रहे हैं तो एक गिल्ट फीलिंग आपके अंदर पैदा होता है कि हमने इतने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। जबकि वास्तविकता यह है कि अगर हम किसी प्रश्न का आंसर नहीं जानते और अगर हम रिप्लाई में बोलते हैं सॉरी सर आई डोंट नो, तो सॉरी सर आई डोंट नो इज ऑल्सो ए रिप्लाई, यह भी प्रश्न का जवाब है। और इस जवाब के लिए आपको, इस जवाब को निगेटिवली नहीं लिया जाएगा, इस जवाब के लिए आपको पनिश नहीं किया जाएगा। दो बातें ध्यान रखें, सॉरी जब आप कहते तो ना तो इसको निगेटिवली लिया जाएगा और ना ही इस जवाब को जो के लिए आपको पनिश किया जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा है आपने जवाब नहीं दिया। और अगर हमें जज करना हो एक इंटरव्यूअर के रूप में तो हम पहली चीज यह जज करते कि यह लड़का जो है या यह बच्ची जो है इसमें यह ईमानदार है, जिन चीजों को यह जानता है या जिन चीजों को यह जानती है उसको रिस्पॉन्ड कर रही, जहां पर इसकी जानकारी नहीं है वहां पर इसे सॉरी बोलने से परहेज नहीं। आपने सॉरी बोला
लेकिन वहां पर आपकी ऑनेस्टी सामने आती है, नंबर टू। दूसरी चीज, दूसरा मेरा कंक्लूजन होगा कि यह बच्चा खुद को, खुद के लिमिटेशन को स्वीकार करता है, अपनी सीमा को जानता है, अपनी सीमा को स्वीकार करता है। और अगर यह अपनी सीमा को जानता है, अपनी सीमा को स्वीकार करता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की टेंडेंसी होगी। जब तक आपको अपने लिमिटेशन का अंदाजा नहीं होगा, उस लिमिटेशन का रियलाइजेशन आपको नहीं होगा, तब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट संभव नहीं होगा। तो दूसरी क्वालिटी, सेल्फ इंप्रूवमेंट की टेंडेंसी आप में होगी, इसकी संभावना को हमने आपके सॉरी के जरिए आइडेंटिफाई किया। तीसरा कंटेक्स्ट जो है, आपके इस सॉरी के जरिए आपकी, आपका कर्टसियस बिहेवियर भी सामने आ रहा। कई लोग नहीं जानते, लेकिन नहीं जानते हुए भी वे आंसर करने की कोशिश करते, नहीं जानते हुए भी वो आंसर करने की कोशिश करते, और जब आप नहीं जानते हुए आप आंसर करने की कोशिश करते, तो वो चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं निगेटिवली जाती हैं। क्योंकि एक तो आप देख रहे हैं कि सामने पांच आदमी बैठे हुए हैं, और आपको यह लगता है कि आप उनको बेवकूफ बना सकते हैं, और आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपकी ब्लफिंग टेंडेंसी को सामने लाता है। ये चीजें आपकी जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को भी दर्शाता है कि आप ऑनेस्ट नहीं है, आप डिजोनेस्ट हैं। तीसरी चीज, यह इस बात का भी संकेत देता है कि आप कर्टसियस नहीं हैं। उम्र और अनुभव के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, उम्र और अनुभव के प्रति आप में सम्मान का अभाव है। आप जान रहे हैं कि पांच आदमी हैं, आपने जितनी जिंदगी जी है उस जिंदगी के कम से कम उनके पास दस गुनी जिंदगी का अनुभव है। अगर पांच आदमी वहां पर बैठे हुए हैं तो कम से कम 35 साल का अनुभव उनके पास है, और 35 साल का होश में अनुभव है, जबकि आपके पास अभी 10 साल का भी अनुभव नहीं है। और 35 साल का अनुभव अगर पांच लोगों के पास है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास 175 साल का अनुभव है, और पांच आदमी का पांच डिफरेंट अप्रोचेज वहां पर काम कर रहा है। और उसके बावजूद आप इतना दुस्साहस कर ले रहे कि सामने वाले को ब्लफ देकर के निकल जाने की कोशिश कर रहे, और आप खुद सोचें, आप खुद इंटरव्यू ले रहे और कोई आपको ब्लफ देने की कोशिश करे, आप कैसा महसूस करेंगे? तो इसीलिए दो बातें हमेशा ध्यान रखें। संस्कृत का श्लोक है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नो बुर्यात सत्यम अप्रियम। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नो बुर्यात सत्यम अप्रियम। मतलब सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और प्रिय सत्य मत बोलो। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करें। सत्य बोलो का क्या मतलब है? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर एक्सप्रेशन। अपने प्रति ईमानदार बने और अपनी अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, आपका, आपके वर्बल कम्युनिकेशन और आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच एक गैप होगा, और जब आपके वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बीच एक गैप होगा, तो यह गैप एग्जाम इंटरव्यूअर को यह मैसेज देने की कोशिश करेगा कि यह लड़का ब्लफ देने की कोशिश कर रहा है, यह लड़की ब्लफ देने की कोशिश कर रही है। और जहां पर इस चीज का अंदाजा उनको मिला, उसके बाद इंटरव्यू चाहे जितनी देर आपकी चले, लेकिन आप समझ लें आपका साक्षात्कार वहीं पर समाप्त हो चुका है। क्योंकि उसके बाद दो रवैया वो आपके साथ अपना सकते, एक तो क्रॉस क्वेश्चनिंग तेज करेंगे, प्रेशर बिल्डिंग की टैक्टिक्स अपनाएंगे जब वो आहत होंगे तब, और उस प्रेशर बिल्डिंग के जरिए आपके कॉन्फिडेंस को वहीं पर तोड़ने की कोशिश की जाएगी अगर आप उनके ईगो को हट करेंगे तब। अदरवाइज एक दूसरा भी तरीका है
कि उसके बाद वो आपके साथ बड़े आराम से, बड़े प्लीजेंट माहौल में, बड़े लिबरल अप्रोच के साथ पेश आएंगे और आपसे वो लगातार गलतियां करवाते चले जाएंगे, यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने दबाव में यह गलती की है या यह आपके मूल स्वभाव का हिस्सा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चीज को समझें कि आप वहां पर पांच जो लोग बैठे हुए हैं आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते, सबकी नजरों से आप नहीं बच सकते। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि हम अपने प्रति ईमानदार बने और अपने साथ साथ अपनी अभिव्यक्ति के प्रति, अपने एक्सप्रेशन के प्रति ईमानदार बने। उस स्थिति में हम अपने पोजीशन को कुछ हद तक जस्टिफाई करने की स्थिति में होंगे। अब दूसरी चीज हमने कही, नो बुरियात सत्यम अप्रियम, सत्य बोले लेकिन अप्रिय सत्य मत बोले। एक सिचुएशन दिया जाता, कई बार ऐसे सिचुएशन इंटरव्यू में आते, एक सिचुएशन दिया जाता और उस सिचुएशन में आपसे कहा जाता, मैं जब 2003 में टीके बनर्जी सर का यूपीएससी में मेरा बोर्ड था और विभा पार्थ सारथी जी उस समय जस्ट रिटायर की थी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर वुमेन उनकी वो प्रेसिडेंट थी, तो संयोग से विभा पार्थ सारथी जी भी बोर्ड मेंबर थी। तो विभा पार्थ सारथी जी ने मुझसे बात करने की करना शुरू किया और विभा पार्थ सारथी जी ने दहेज के डोरी के मसले पर मुझसे बात करना शुरू किया, बातचीत शुरू हुई चली। उन्होंने एक सिचुएशन मुझे दिया कि यह सिचुएशन आपके सामने है कि आप दहेज ना लेने पर एडमेंट हैं, अरे हुए हैं और आपके पिताजी हर स्थिति में दहेज लेने पर अरे हुए हैं और वो लगातार आप पर दबाव बना रहे हैं, आप क्या करेंगे? या कई बार यही सिचुएशन आपके सामने क्रिएट किया जा सकता करप्शन के केसेज को लेकर के, कि आप फलाने जगह अधिकारी हैं, इस तरह के सिचुएशन आप आते हैं, इस तरह के सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो लास्ट तक मैं ये स्ट्रिक करता हूं और मैंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर डोरी नहीं लूंगा, नंबर वन, और मुझे पता है कि मैं अपने फादर को कन्विंस कर लूंगा। आज अगर उन सारे एपिसोड को आज अगर देखता हूं, नियर अबाउट 18 साल बाद देखता हूं, तो उस समय इस प्रश्न का जवाब देते हुए मैं ईमानदार था, ईमानदारी में 1% की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो ऑब्जर्वेशन थे और उन्होंने जो कंक्लूड किए होंगे उनके ऑब्जर्वेशन सही साबित हुए और मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में दो चीजें देखी। नंबर वन, इस चीज को आइडेंटिफाई किया होगा कि यह लड़का जो है इमोशनल और सेंसिटिव है और जो इमोशनल और जो सेंसिटिव होते हैं उनके टूटने की संभावना क्या होती है, क्योंकि बाप बाप होता है, ठीक है, और बच्चे को तोड़ने के लिए सबसे पहले वह इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेता, तो जो इमोशनल होते हैं अक्सर वो वहां पर ब्रेक करते। तब मैं वहां गलत नहीं था, लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन उनको जिस निष्कर्ष पर पहुंचाता है वह निष्कर्ष सही साबित हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ठीक है, ये सारे लोग जान रहे हैं कि कल के डेट में जो है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख रेट जाएगा आपका, दहेज अहम रोल शादी में प्ले करेगा, लगभग ये जानी हुई बात। आपका पोस्ट प्रेफरेंस यह बतला रहा है जब आप आरडीओ को तीसरे और चौथे नंबर पर देते हैं, आपका पोस्ट प्रेफरेंस यह बतला रहा है कि आप वहां पर पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, यद्यपि आप में से कई लोग होंगे जिन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सच बोलने के नाम पर हम यह स्वीकार कर लें कि
कि हाँ सर हम मैं दहेज के पक्ष में हूं, हाँ सर मैं लूंगा। तो इसलिए हमने कहा सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात नो बुरियात सत्यम अप्रियम, ये इंटरव्यू का प्री कंडीशन है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि इस बात को समझें, अनड्यू वेटेज ना दें इंटरव्यू को। जब इंटरव्यू को आप अनड्यू वेटेज देंगे तो उस स्थिति में आपको परेशानियां बढ़ेंगी। जैसे परसों जब रिजल्ट आए हैं मेंस के, तब से लेकर अब तक मेरे पास दो तरह के फोन आए। एक फोन उन लोगों का है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनको इंटरव्यू कॉल हुआ ही, और दूसरा उन लोगों का है जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है। तो जिनका इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है उनको मैं सिर्फ अभी एक बात कहता, वह यह कि अगले 10 से 15 दिन इस मसले पर आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना चाहिए कि आपका मेंस नहीं हुआ है। क्योंकि अगर अगले 10 से 15 दिन तक आप सोचेंगे भी तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा। इसलिए क्योंकि अभी परिणाम के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है, और जब तक वह इमोशनल अटैचमेंट होगा आप तटस्थ होके आत्मावलोकन कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। और आवश्यकता है इंप्रूवमेंट के लिए इमोशनली डिटैच होकर के खुद को इवैल्यूएट करने की, और उस इवैल्यूएशन के जरिए सबक लेने की जिस सबक को आगे की जिंदगी में उतारा जा सके। और जो लोग भी इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें सिर्फ मैं एक मैसेज दे रहा, मेरा मैसेज है ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आपका होगा नहीं होगा ये मेरा कंसर्न इशू नहीं है, मैं इस बात की परवाह ही नहीं करता। और कम से कम जिनका मुझ में भरोसा है उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि इस बात को वो अपने दिमाग से निकाल दें कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या उनका सिलेक्शन होना ही चाहिए। उनको सबसे पहले मैं उस स्थिति के लिए तैयार करता जिस स्थिति में वो ये स्वीकारें कि हो सकता है उनका नहीं भी हो। क्योंकि मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है, देखिए दो फिलॉसफी है, एक गीता की फिलॉसफी है और दूसरी ओर अगर आप देखें तो आप में से जिन लोगों का हिंदी लिटरेचर होगा, जिन्होंने कामायनी पढ़ी होगी, तो कामायनी में जयशंकर प्रसाद की फिलॉसफी है। दोनों फिलॉसफी दो इंड पर खरी दिखाई पड़ते। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब यह कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। और प्रसाद ने कामायनी में क्या कहा, प्रसाद कामायनी में जो है फल युक्त कर्म की प्रस्तावना करते। अब थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आप में से अगर किन्हीं को लगता है कि पढ़ करके और तैयारी करके इंटरव्यू में हम अच्छा कर लेंगे, तो पर्सनली मैं इस चीज से डिसएग्री करता, पर्सनली मैं इससे असहमत हूं। पढ़ना तैयारी करना महत्वपूर्ण है, लेकिन वह महत्वपूर्ण इंटरव्यू के लिए नहीं है, वह महत्वपूर्ण है आपके सहज रहने के लिए, अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो वह कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होगा, और वह कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो आपके लिए सहज और स्वाभाविक बने रह पाना निरंतर मुश्किल होता चला जाएगा। और मेरा अपना मानना है, मेरा अनुभव यह कहता है कि इंटरव्यू में आपका सहज और स्वाभाविक बने रहना प्राथमिक है, अन्य सारी चीजें गौण। अगर आप बोर्ड के अंदर इंटरव्यू के उस 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे के फेज में
अपनी नेचुरलिटी को मेंटेन कर पाने में सफल रहते हैं, आप विश्वास करें आप वहां पर अपना बेस्ट देकर के आएंगे। और आपकी नेचुरलिटी अगर वहां पर प्रभावित होगी तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अपना बेस्ट दे पाना मुश्किल होगा। और जितनी प्रभावित होगी आपकी नेचुरलिटी, आपका जो परफॉर्मेंस है उतना डिटोरिएट कर सकता। इसलिए अपनी नेचुरलिटी को बनाए रखने पर को महत्व दें। और इसके मद्देनजर एक मैसेज आप सबको मेरा है, जो निगेटिव बातें करते इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, निगेटिव बात करने वालों से आप दूरी बनाएं। उन लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए जो आप पर संदेह करते हैं, जो आपको शंका की निगाह से देखते हैं, जिनका आप में भरोसा नहीं है। और वह व्यक्ति आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको जानता है, जो आपको समझता है, जिसमें आपका भरोसा है और जिसका आप में भरोसा है। वो सिविल के फील्ड से जुड़ा हो तब भी, सिविल के फील्ड से नहीं जुड़ा हो तब भी, ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनको हम समझते हैं, जो हमें समझते हैं, जिनमें हमारा भरोसा है और हम में जिनका भरोसा है, उनके साथ आपको निरंतर संवाद कायम करना चाहिए। उनके साथ आपको निरंतर संवाद की स्थिति में बने रहना चाहिए, क्योंकि वो आदमी आपको नेचुरल बनाए रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में लगातार भरोसा उनका आप पर जो दबाव निर्मित हो रहा है उस दबाव को कम करने में सहायक हो सकता। दूसरा कंटेक्स्ट, कृष्ण से आप सब परिचित होंगे, अर्जुन से आप सब परिचित होंगे और गीता का संदेश जिन परिस्थितियों में दिया गया उससे आप परिचित होंगे। अर्जुन की समस्या क्या है? अगर अर्जुन की समस्या को आप देखें तो अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या जो कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने आती है वह है फल के प्रति आसक्ति। फल के प्रति अर्जुन में आसक्ति है, फल के प्रति अर्जुन मोहग्रस्त हैं, परिणाम के प्रति उनकी मोहग्रस्तता जो है वह कहीं ना कहीं परिणाम को लेकर उनको चिंतित कर रही है। और उस चिंता के कारण उनके द्वारा जो है अपने को सहज बनाए रख पाना मुश्किल हो रहा, वे कर्म की ओर प्रवृत्त हो पाने में असमर्थ। तो कहीं ना कहीं जब तक अर्जुन परिणामों की चिंता से मुक्त नहीं होते, जब तक फल के प्रति उनकी आसक्ति समाप्त नहीं होती, तब तक उनके लिए सहज और स्वाभाविक बने रहना मुश्किल होगा, तब तक उनके लिए कर्म पथ पर अग्रसर होना मुश्किल होगा। और चूंकि वहां समस्या फल के प्रति आसक्ति की है, इसलिए वहां पर कर्मण्य बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात करते। आप भरोसा रखें मैं जो कह रहा, अगर आपकी जगह आज भी मैं इंटरव्यू देने के लिए आऊं और अगर मैं भी परिणाम से चिंतित हूं तो मैं भी उतने ही दबाव में होऊंगा जितने दबाव में आप होंगे। तनिक भी आपसे कब दबाव नहीं होगा। और यहां पर जिस चीज को बंधु समझने की जरूरत है वह यह, परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन एफर्ट पर हमारा नियंत्रण है, अपने प्रयासों पर हमारा नियंत्रण है। और अपने प्रयासों की बदौलत परिणामों को प्रभावित किया जा सकता है। होने की संभावना तभी होगी जब हम अपना बेस्ट देकर के आएंगे, ना कि होने की संभावना तब होगी जब दबाव में हमारा परफॉर्मेंस डिटोरिएट करेगा। इसलिए बंधु एक आग्रह होगा कि परिणाम की चिंता से मुक्त हों, अभी से एक बात मान करके चलें कि यह संभव है कि कल के डेट में आपका ना हो। मेंटली इसके लिए तैयार रहें कि अगर नहीं होगा उस स्थिति में भी हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे।
नहीं होने से जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती, नहीं होने से जिंदगी रुक नहीं जाती। जब इस स्तर पर जाकर सोचेंगे तो अनड्यू प्रेशर जो क्रिएट होता, एक्सपेक्टेशन जिस प्रेशर को क्रिएट करता है, एक्सपेक्टेशन के उस प्रेशर से हम बच सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन के प्रेशर से अगर हम बचेंगे तो हमारे लिए नेचुरल बने रह पाना संभव होगा, और अगर नेचुरल बने रह पाते हैं तो हमारे लिए अपना बेस दे पाना वहां पर संभव होगा। इसलिए बी नेचुरल, नेचुरलिटी को बनाए रखने को प्राथमिकता दें। अब मैं कह रहा था साक्षात्कार है क्या। साक्षात्कार जो है एक सामान्य बातचीत है। वहां पर बोर्ड में जो 5 लोग बैठे हुए हैं वो आपके साथ सामान्य बातचीत कर रहे हैं, बस सामान्य बातचीत। और ये जो बातचीत हो रही है, जो बोर्ड रूम के अंदर हो रही है, दोनों की प्रकृति में दो अंतर है। पहला अंतर यह है कि इस बातचीत का एक पर्पस है, यह बातचीत जो है एक पर्पस से की जा रही है, एक अंतर यह है। और दूसरा जो अंतर है वह यह कि यह बातचीत जो है वह औपचारिक है। दो शब्द, इस बातचीत का एक पर्पस है और यह बातचीत जो है औपचारिक है। दो चीजों को ध्यान में रखना है। अब दो चीजों को ध्यान में रखने का मतलब क्या हुआ, आपको यह समझना है कि आज अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो किसी की कृपा से नहीं दे रहे। आप इंटरव्यू इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। दो स्टेज में, प्रिलिमिनरी स्टेज में और मेंस के स्टेज में आपने परफॉर्म किया है। परफॉर्म करते हुए आपने इन दोनों बैरियर को क्रॉस किया है, तब कहीं जाकर अब आप इंटरव्यू दे रहे। और इंटरव्यू देने के आपके अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। दो वीडियो मैं सजेस्ट करूंगा और मैं ग्रुप में भी लिंक डाल दूंगा। पहला वीडियो जो मैं सजेस्ट करूंगा चक दे इंडिया मूवी का वीडियो है। फाइनल मैच होने वाला है और फाइनल मैच शुरू होने के जस्ट पहले जब खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रही होती हैं तो वहां पर शाहरुख खान पहुंचते हैं और वो 2.5 या 3 मिनट का वो पूरा का पूरा वीडियो है, 70 मिनट वाला। तो आप भी उस 70 मिनट वाली स्थिति में पहुंच रहे हैं और आपका वह 70 मिनट बोर्ड रूम में आने जा रहा है। आपकी जिंदगी से उस 70 मिनट को कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरी आपको सलाह होगी कि वो 70 मिनट वाला वीडियो 2 बार 3 बार रोज देखें। तब तक देखें जब तक कि आपका इंटरव्यू हो नहीं जाता, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज जो कहूंगा, 3 Idiot मूवी अगर आपने देखी होगी या 3 Idiot मूवी नहीं भी देखी है तो आमिर खान का मित्र है सरमन जोशी जो सुसाइड करने की कोशिश करता है, बच जाता है बाद में, और उसके बाद हुआ है इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो वो जो इंटरव्यू वाला सीन है 7 से 8 मिनट का, ये दो वीडियो आपको रोज देखना चाहिए क्योंकि उसमें एक मैसेज है। और मैसेज यह है जो मैं आपको आज के सेशन के जरिए देना चाह रहा, ना आप किसी की कृपा से यहां तक पहुंचे हैं और ना किसी की कृपा आपको इंटरव्यू के स्टेज में सफलता दिलाने जा रही है। आप सफल तभी होंगे, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप इसके लिए डिजर्व करेंगे। अगर इसके लिए डिजर्व नहीं करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी।
पहली बात जिसको आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर यह सच है तो ज्यादा बेहतर है कि हम अपने अंदर यह भाव पैदा करें कि अगर हम इसके लिए डिजर्व करते हैं तो हमें यह मिलना चाहिए, अगर हम डिजर्व नहीं करते, हमारी तुलना में कोई दूसरा ज्यादा डिजर्व करता तो उसे मिलनी चाहिए, हम अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं, हम अगली बार फिर बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। यह भाव आपके अंदर होने चाहिए। दूसरी बात, जब आप वहां जाएंगे तो मैंने कहा यह बातचीत अनौपचारिक नहीं है, यह बातचीत औपचारिक है, लेकिन जो लोग भी वहां पर मौजूद हैं बंधु युवा कौन हैं कृपया म्यूट करें, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें कि जब तक डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे, सोच अगर डिसिप्लिन्ड नहीं होगी तो जीवन भी डिसिप्लिन नहीं होगा, और वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो उसका अभाव वहां पर भी दिखाई पड़ेगा। इंटरव्यू होना है आपको जिस दिन डेट दिया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के माइंडसेट से आपको आज से जिंदगी अपनी जीनी होगी। तो मैं ये कह रहा था कि कई बार क्या होता, वो जान रहे होते कि आप पर दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव है, तो कई बार जब वो दबाव आप पर नोटिस करते तो वो आपको प्रेशर फ्री करने की कोशिश करते, और प्रेशर फ्री करने के लिए कई बार वो इनफॉर्मल होते हैं आपके साथ। इनफॉर्मल होने के बोर्ड मेंबर अगर आपके साथ इनफॉर्मल हो रहे तो उसके दो पर्पस होते, एक पर्पस उसका होता है कि वो इनफॉर्मल होकर के कहीं ना कहीं आप पर से दबाव को कम करना चाह रहे हैं, आपको नेचुरल स्टेज में लाना चाह रहे हैं, और नेचुरल स्टेज में आपको ला करके वे देखना चाह रहे हैं कि आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। तो एक तो यह कंटेक्स्ट हो गया। दूसरा कंटेक्स्ट होता कि कई बार आपको वो नेचुरल मतलब आपके साथ इनफॉर्मल होते हैं और ये देखते हैं कि आप इनफॉर्मल होते हैं या नहीं, और अगर उनके साथ आप भी इनफॉर्मल होते तो यह चीज ध्यान रखें कि इंटरव्यू का जो डेकोरम होगा, इंटरव्यू के डेकोरम को मेंटेन कर पाना आपके लिए मुश्किल होगा। और दूसरी चीज, जैसे आप इनफॉर्मल होंगे गलतियों की संभावना बढ़ती चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी गलतियां करते चले जाएंगे और आपकी वास्तविकता उनके सामने होगी। इसलिए इस चीज को समझने की कोशिश करें कि वो इनफॉर्मल हो सकते, आपको इनफॉर्मल नहीं होना है। दूसरा जो मैं कंटेक्स्ट कहना चाहता, कि 5 से 10 मिनट रोज आप अपने लिए समय निकालें अकेले में पूरे इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, और वो जो 5 से 10 मिनट का समय निकालते हैं अकेले बैठ करके 60 और 60+ एज ग्रुप के जो लोग हैं उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। घर में दादाजी होंगे, दादी होंगे, नाना होंगे, नानी होगी, पिताजी भी हो सकते, माँ भी हो सकती है, अकेले में बैठ करके उनकी साइकोलॉजी को रीड करें। सीनियर सिटीजन की साइकोलॉजी क्या होती, देखें उनके पास जीवन के अनुभव होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके अनुभव को कोई सम्मान दे, ये वो चाहते हैं। उनकी बातों को आप मानते हैं या ना मानते हैं यह मायने नहीं रखता, लेकिन ध्यानपूर्वक उनकी बातों को आप सुनते हैं या नहीं सुनते ये चीजें जरूर मायने रखती। और जब उस सीनियर सिटीजन की साइकोलॉजी को आप समझेंगे
तो वहाँ जो आप बैठे हुए हैं वे भी उसी एज ग्रुप में हैं, उसी एज ग्रुप से हैं, और उस साइकोलॉजी को अगर आप समझते हैं तो उस एज ग्रुप के लोगों के साथ डील कर पाना आपके लिए आसान होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, 2001 का इंटरव्यू वाला बैच था, और 2001 वाले बैच में नीतू सेन 36 रैंकर थी यूपीएससी में, और संयोग से हम लोगों के इंटरव्यू सेम डे थे। हिंदी लिटरेचर नीतू का ऑप्शनल था। नीतू से प्रश्न पूछे, बोर्ड के एक मेंबर ने प्रश्न पूछा कि अच्छा नीतू ये बतलाइए, क्रोनोलॉजी में आप मुझे बतलाइए कि छायावाद के बाद कौन कौन से काव्य आंदोलन आए। तो नीतू ने बतलाना शुरू किया कि सर छायावाद के बाद उत्तर छायावाद आता है, और उत्तर छायावाद के आसपास ही प्रयोगवाद आता है, प्रयोगवाद के बाद प्रगतिवाद आता है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद आता है। इतना ही उसने कहा था कि बोर्ड मेंबर ने टोक दिया। बोर्ड मेंबर ने कहा नहीं, उत्तर छायावाद के बाद प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद के बाद प्रगतिवाद है। तो जैसे बोर्ड मेंबर ने टोकते हुए ऐसा कहा, नीतू ने कहा नहीं सर आप गलत हैं। तो जैसे उसने कहा कि सर आप गलत हैं, तो अचानक से उसने देखा कि जो बोर्ड मेंबर थे उनका पूरा का पूरा चेहरा रेडिस हो जाता है। उसने गलत नहीं कहा, उसने गलत नहीं कहा, लेकिन उसके कहने का तरीका जो है, उसके कहने का तरीका गलत अवश्य था। कहने का तरीका क्या गलत था? और कई बार ऐसे सिचुएशन आपके सामने भी आ सकते कि आपसे जो प्रश्न पूछा गया आप जो रिप्लाई कर रहे हैं सही रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको बीच में रोक दिया जाता, आपको गलत साबित करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। अब जरा सा रुक करके देखें ऐसा करने के पीछे पर्पस क्या होगा। तो ऐसा करने के पीछे दो पर्पस हो सकते। एक पर्पस यह हो सकता कि वो जान रहे हैं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को वो एसेस करना चाह रहे हैं, और आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को एसेस करने के लिए वो आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपको अनकंफर्ट जोन में ले जा रहे हैं, और अनकंफर्ट जोन में ले जाकर के वो देखना चाह रहे हैं कि आप रिएक्ट कैसे करते। एक रीजन यह हो सकता। दूसरा रीजन यह हो सकता है कि हो सकता है प्रश्न उन्होंने यूं ही चलते चलते पूछ दिया हो। ऐसा भी होता है, उनके पास बहुत उसकी जानकारी ना हो, यह चीजें भी हो सकती। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी स्थिति में हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स क्या है? क्या हम उनकी बात को मान लें? नहीं, तो रेस्पॉन्ड क्या होगा? तो अगर हमें वहां पर रेस्पॉन्स देना होता तो मैं यह कहता कि सर जहां तक मेरी जानकारी है कि 1930 के दशक के मध्य में उत्तर छायावाद का आगमन होता है, और 1936 में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के द्वारा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की दिशा में पहल की जाती है, जिसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद करते हैं, जो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। और इसी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के साथ प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, जबकि प्रयोगवादी काव्य आंदोलन की शुरुआत 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से होती है, जो अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुई थी, और उसी तार सप्तक में अज्ञेय ने जो भूमिका लिखी है
और उसमें शामिल 7 कवियों ने जो लंबी भूमिका लिखी है उसमें प्रयोग शब्द की बारंबार आवृत्ति के मद्देनजर उसको प्रयोगवाद कहा गया। तो अब देखें, अब अगर इस तरीके से बात रखते तो सामने वाले के पास स्पेस नहीं है कि वह आपको अब काउंटर कर सके, एक चीज, क्योंकि आपने प्रश्नों को रिप्लाई ही नहीं किया है बल्कि आपने विस्तार के साथ अपने कंक्लूजन के पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत किया। एक सिचुएशन इमेजिन करें कि उसके बावजूद भी वो आपको कहते कि नहीं आप गलत हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो वहां पर भी इरिटेट नहीं होना है, वहां पर भी रिएक्ट नहीं करना है। उन्हें रिप्लाई हमें यही करना है कि सर जहां तक मेरी जानकारी है मेरे हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहां से जाने के बाद मैं एक बार इसे काउंटर चेक करूंगा। मतलब हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, एक प्रशासक जो होता है प्रशासक से हम यह उम्मीद करते हैं कि उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसका रवैया लोचशील हो, क्योंकि प्रशासक में अगर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर पाने और एडॉप्ट कर पाने में वह समर्थ होगा। तो आपकी नजर प्रश्न पर है, लेकिन जो आपके आपका साक्षात्कार ले रहे हैं उनकी नजर प्रश्न पर नहीं है, वे उन प्रश्नों के रिप्लाई के जरिए लगातार आपकी पर्सनालिटी को एसेस कर रहे हैं, वो लगातार यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रशासक में जो मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वो आप में है या नहीं, एक प्रशासक में जो मॉडेस्टी होनी चाहिए, जो विनम्रता होनी चाहिए वो विनम्रता आप में है या नहीं, एक प्रशासक में जो कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, क्योंकि हमेशा यह ध्यान रखें कि आप स्टेट पीसीएस से जो लोग चुनकर जा रहे हैं उनको जमीनी धरातल पर परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, ठीक है, और इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आप तिस्मार खान नहीं हैं। ये मत सोचिएगा जब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तभी तक कि अरे एक बार लाल बत्ती मिल जाए ना तो उसके बाद तो जो इच्छा होगी वह करेंगे, ऐसा होता नहीं। अगर आपके पास हुआ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप अपने सबॉर्डिनेट को कॉन्फिडेंस में ले पाने में असमर्थ रहेंगे। अगर आप में सेंसिटिविटी नहीं है तो आप अपने सबॉर्डिनेट को साथ ले पाने में असमर्थ रहेंगे। अगर आप में टीम स्पिरिट नहीं है तो आप अपने सबॉर्डिनेट को साथ लेकर चल पाने में असमर्थ होंगे, टीम निर्मित कर पाने में असमर्थ होंगे। और आपके पास नया आइडिया है, जो नया आइडिया इंप्लीमेंटेशन के इफेक्टिवनेस को इंश्योर कर सकता है, लेकिन आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं है, आप अपने उस आइडिया को लेकर आप अपने सीनियर ऑथोरिटी को कन्विंस कर पाने की स्थिति में नहीं है, वह आइडिया कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो उस आइडिया को आप जमीनी धरातल पर नहीं उतार सकते। तो यह कम्युनिकेशन स्किल जो है इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के भीतर भी अहम रोल प्ले करता है, और यह कम्युनिकेशन स्किल जो है क्योंकि आपको पब्लिक के साथ डील करना है और पब्लिक के साथ डीलिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वह अहम रोल प्ले करेगा, और पर्सनालिटी टेस्ट जो है इंटरव्यू जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल का भी टेस्ट है। क्या आंसर कर रहे यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कैसे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, एक, और दूसरा हम या आप कोई ओपिनियन बनाते हैं, कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते उस ओपिनियन की उस कंक्लूजन की एक सीमा होती है, क्योंकि वो कंक्लूजन जो ड्रॉ हम करते हैं अपनी जानकारी अपनी समझ और हमारे सामने जो उपलब्ध तथ्य होते हैं
उनके आलोक में हम उस ओपिनियन को निर्मित करते, वह कंक्लूजन हम ड्रॉ करते। ऐसा संभव है कुछ नए तथ्य हमारे सामने आ जाए, ऐसा संभव है कि कुछ नए एंगल जिन पर हमारी नजर ना पड़ी हो बाद में वो नए एंगल हमारे सामने आ जाए, ऐसा संभव है कि वहां पर किसी भी मसले पर आप रिस्पोंड कर रहे हैं तो बोर्ड मेंबर कुछ नए तथ्यों को लेकर के आवे और उन नए तथ्यों को आपके सामने रखने की कोशिश करें। तो अगर आप में यह फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में आप उन नए तथ्यों के आलोक में खुद को रिव्यू कर पाने में समर्थ नहीं होंगे। और अगर आप प्रशासन में हैं तो इस रिजिडिटी की एक बड़ी कीमत हो सकती है आपके लिए भी, और इस रिजिडिटी की एक बड़ी कीमत हो सकती है कॉमन पीपल के लिए भी, आम लोगों के लिए भी। इसलिए एक प्रशासक के रूप में एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की आपको आवश्यकता है। क्लियर? उलझना नहीं है बोर्ड में, अपनी बातों को रखना है। यू हैव एवरी राइट टू डिसएग्री विथ द बोर्ड मेंबर। किसी भी मसले पर बोर्ड मेंबर से भिन्न राय रखने, किसी भी मसले पर बोर्ड मेंबर से असहमत होने का आपको पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन एक्सप्रेस योर डिफरेंसेज, एक्सप्रेस योर डिसएग्रीमेंट विथ मॉडेस्टी, पूरी विनम्रता के साथ, पूरी सहजता के साथ आप अपने अपनी मतभिन्नता को रखें, आप अपने मतभेदों को सामने रखें। अगली बात जो मैं कहना चाहता कि देखें, आपके सामने वहां पर जो प्रश्न आएंगे ना, वो दो तीन तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। पहला, तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं। और तथ्य भी दो प्रकार के होते हैं। अगर आपने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने फिजिक्स से एमए किया है और आपसे आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछा जा रहा है, आपसे जो है पूछा जा रहा है न्यूटन के लॉ के बारे में, तो वहां पर सॉरी के स्कोप नहीं बनते। तथ्यात्मक प्रश्नों में सॉरी आपको बोलने की छूट है, खुल करके बोले, लेकिन वहां पर यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कुछ तथ्य बेसिक्स से जुड़े होते, वहां पर सॉरी के स्पेस नहीं होते। दूसरा, अवधारणा पर आधारित जो सॉरी बोलने के भी जो हैं कई तरीके होते। जैसे एक स्ट्रेट हम बोलते हैं सॉरी सर आई डोंट नो, लेकिन हमसे ऐसा प्रश्न पूछा गया है जो एक्सपेक्टेड है, आई मस्ट नो, आई शुड नो, वहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे सॉरी सर आई डोंट नो, तो कहीं ना कहीं यह निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो वहां पर आप कहें सर आई नो इट बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिकॉल इट, मैं इसको जानता हूं लेकिन अभी इसको कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूं। तीसरा जो कंटेक्स इसका होगा, वह तीसरा कंटेक्स यह होगा कि हमें लगता है शायद हम जान रहे, That may be possible हम ये जान रहे हैं, but sure नहीं है कि हम जान ही रहे। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो ऑप्शन है कि सर मैं बहुत sure नहीं हूं, अगर आप परमिट करें, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बार ट्राई कर सकता हूं, और अगर परमिशन लेके ट्राई करते और गलत भी हुए तो ऑलरेडी आपने अपने लिमिटेशन को स्वीकारे हैं,
और अगर आपका सही निकला तो अगर गलत हुए तो वो निगेटिव नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सही साबित होते तो वो चीजें पॉजिटिव आपके जाएंगी। तो सॉरी के स्कोप जो है तथ्यात्मक प्रकृति के प्रश्नों पर बनते, लेकिन अवधारणा आधारित प्रश्न जो होते, किसी मसले पर आपकी राय पूछी जा रही है, तो वहां पर सॉरी के स्कोप नहीं होते। वहां पर आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको अपने ओपिनियन वहां पर रखने हैं। हां, फर्क क्या हो सकता, फर्क यह हो सकता है कि यह हो सकता है कि उस मसले पर हमारी कंप्लीट राय ना हो, बहुत जानकारी उस मसले पर हमारी ना हो। तो अगर बहुत जानकारी हमारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि सर, इस इशू को हमने फॉलो नहीं किया है, इस पर बहुत जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो सीमित जानकारी है उस सीमित जानकारी के आलोक में हमारा ओपिनियन यह है। ऑब्वियसली जानकारी का दायरा अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उस ओपिनियन के रिव्यू की होने के स्कोप मौजूद है, इसलिए क्योंकि आपको यह पता है कि आपकी जानकारी की सीमा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है नहीं कि यह बतलाइए, आजकल भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों में इतना ज्यादा तनाव क्यों हो रहा है? पता चला कल भी बनारस में एक नेपाली को बैठा करके जो है उसका माथा मूरा गया, भारत माता की जय बोलने के लिए और जय श्री राम बोलने के लिए विवश किया गया। और आप वहां पर जवाब देंगे सॉरी सर आई डोंट नो, तो ये सॉरी आपको रिलीफ नहीं करेगी, रिलीफ नहीं देगी। इस सॉरी की एक कीमत होगी और इस सॉरी की एक कीमत चुकानी होगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जो अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न होते हैं वहां पर आपको स्टैंड लेना चाहिए, वहां पर आपको स्टैंड लेना होगा। हां, अगर हमारे पास पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त जानकारियां उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम उन चीजों को अपनी सीमा को स्वीकार करते हुए अपने ओपिनियन को वहां पर रखेंगे। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, एक प्रश्न आपके मन में अक्सर आता है, प्रश्न यह आपके मन में आता कि अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोविड क्राइसिस की चुनौती से निपटने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या आप उस प्रयास से संतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि वह प्रयास सही है, एप्रोप्रिएट है, या कोविड क्राइसिस से को रिस्पोंड करने के क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए, क्या केंद्र सरकार के उन कदमों से आप संतुष्ट हैं? अब जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उस स्थिति में आप क्या पाएंगे? तो जब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपके मन में भाव आएगा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों ने आपको समझा दिया है कि आप सिविल सेवक बनने जा रहे हैं, और आप अगर सिविल सेवक बनने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियों का आप विरोध नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आपको सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, चूंकि ये बातें आपको समझा दी गई हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसलिए आप वहां पर आप जान रहे हैं, आप खुद इस चीज से कन्विंस नहीं हैं, आपको पता है कि सरकार के कदम पर्याप्त नहीं हैं, उसके बावजूद चूंकि आपको किसी ने समझा दिया है इसलिए आप यह मान करके चलेंगे नहीं, सरकार की नीति की तो आलोचना हमें करनी नहीं, हर स्थिति में हमें सरकार को जस्टिफाई करना है। तो पर्सनली यहां पर मैं आपसे डिसएग्री करता, और यहां पर मैं आपसे डिसएग्री करता दो कारणों से।
पहला कारण यह है कि इस आप आलोचना और निंदा के फर्क को नहीं समझ रहे, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि आलोचना और निंदा के फर्क को समझा जाए। आलोचना और निंदा ये दोनों एक चीज नहीं। आलोचना कहते हैं गुण दोषों के सम्यक विवेचन को, गुण दोषों के सम्यक विवेचन को आलोचना करते, और आलोचना जब भी होगी तो आलोचना स्वस्थ होगी। अच्छा, आलोचना एक सकारात्मक संकल्पना है जिसका दो पर्पस होता है, जो पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिविटी को कंसोलिडेट किया जाए, और जो निगेटिव चीजें हैं उनको क्रिटिसाइज करते हुए उसके इंप्रूवमेंट के की परिस्थितियां निर्मित की जाए। और इसलिए मैंने कहा कि आलोचना एक सकारात्मक संकल्पना है, जबकि निंदा शिकायत जो है यह नकारात्मक संकल्पना है, हमेशा उस पर निगेटिविटी हावी होती। तो पहली चीज आप समझें कि आलोचना और निंदा में फर्क है। आपको आलोचना करने की छूट है, निंदा करने की छूट नहीं। नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज यहां पर इस बात को भी रुक करके समझने की जरूरत है, वही है कि एक प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका क्या है। एक प्रशासक के रूप में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। पता करें आप में से जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनको इनका अनुभव होगा, आपके संपर्क में जो लोग सिलेक्टेड होंगे उनसे बात करें। आप अगर देखें तो सप्ताह में 15 दिन पर महीने में समीक्षा बैठक होती है, रिव्यू मीटिंग होती है, ब्लॉक में भी रिव्यू मीटिंग होती, अनुमंडल में भी होता है, डिस्ट्रिक्ट में भी होता है, राजधानी में भी होता है, डिपार्टमेंट में भी होता है। उस रिव्यू मीटिंग का पर्पस क्या है, और उस रिव्यू मीटिंग में बैठने वाले लोग अगर वही बोलने लगे जो उनके उच्च अधिकारी चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है उस रिव्यू मीटिंग की कोई अहमियत रह जाएगी? क्या उस रिव्यू मीटिंग का कोई औचित्य रहेगा? कल आप ही में से किसी को किसी कमेटी का सदस्य बनाया जा सकता, आप ही में से किसी को किसी कमेटी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, और वहां पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो है किसी मसले पर आप अपनी राय प्रदर्शित करें। तो क्या उस मसले पर आप राय प्रदर्शित करेंगे यह देखते हुए कि आपके ऊपर जो राजनीतिक नेतृत्व बैठा हुआ है उसको आपकी कौन सी सलाह पसंद आएगी, कौन सी सलाह पसंद नहीं आएगी? क्या इसको देख करके आप राय देंगे? और अगर इस चीज को देख करके आप अपनी राय देंगे, तो क्या आपको लगता है एक प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेवारियों के निर्वाह में आप समर्थ हो पाएंगे? नॉट एंड नेवर। तो इस बात को समझे। तीसरी बात जो मैं कहूंगा, प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व के निर्वहन में तब तक आप समर्थ नहीं होंगे जब तक कि क्रिटिकली एनालाइज करने की आप में कैपेसिटी नहीं है। तब तक आप प्रशासनिक अधिकारी के दायित्व के निर्वाह में आप सफल नहीं होंगे जब तक आप में एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, जब तक आप में वह ऑब्जेक्टिविटी नहीं हो जिस ऑब्जेक्टिविटी के सहारे आप खुद अपनी आलोचना कर सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। इसलिए अगर आप में से किसी को लगता है कि सरकार की नीतियों का वहां पर आप सपोर्ट करेंगे, कई बार देखता हूं, हम लोग मॉक में भी देखते हैं कि कई लोग
ये कंक्लूजन ड्रॉ करते कि अरे सर्वेश सर हैं, सर्वेश सर का इस मसले पर ये ओपिनियन होगा, अगर ये बातें बोले तो उससे सर्वेश सर बहुत खुश होंगे, और जब वो उस तरह का रिप्लाई देते और उस पर मेरा काउंटर क्वेश्चन आता है तो वे खुद को घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरह के काउंटर क्वेश्चन भी कर सकता हूं। अरे अगर मेरे कोई ओपिनियन है तो वो मेरे थॉट प्रोसेस का हिस्सा है, और मैं अपने उस ओपिनियन को डिफेंड करने के लिए, उस ओपिनियन को डिफेंड करने के लिए मेरे पास पर्याप्त तर्क है, पर्याप्त प्रमाण है, पर्याप्त साक्ष्य है मेरे पास। आपने तो मेरे ओपिनियन को और मेरे कंक्लूजन को केवल लिया है, वो आपके थॉट प्रोसेस से नहीं उपजा है। कई बार आप में से कई लोग प्रश्न पूछते हैं, सर इस प्रश्न का उत्तर बतला दीजिए। आप उस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते और मैं उस प्रश्न के उत्तर देने के बजाय मैं उन परिस्थितियों की ओर ले जाना चाहता, उस मन स्थिति में ले जाना चाहता हूं जिस मन स्थिति में जाकर के आप स्वयं उत्तर को तलाशने की स्थिति में हो, जहां पर आप स्वयं उत्तर दे पाने की स्थिति में हो, जहां पर उत्तर आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो, जहां पर उत्तर आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो। क्योंकि आप काउंटर क्वेश्चन को तभी डिफेंड कर पाने की स्थिति में होंगे, तभी आप डिफेंड कर पाने की स्थिति में होंगे जब वह आंसर आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हो। अगर वह आंसर आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो आप काउंटर क्वेश्चन को हैंडल कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, और काउंटर क्वेश्चन को हैंडल कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे तो उस स्थिति में कई बार आप सुनेंगे बोर्ड मेंबर पूछ देते, क्या किसी कोचिंग वाले ने बताया है कि इस प्रश्न का जवाब ऐसे देना है? जैसे ये परसेप्शन उनका बना तो आप विश्वास करें आपके इंटरव्यू वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। अब आप मुझसे पूछ सकते कि इस थॉट प्रोसेस को डेवलप करने के लिए हम क्या करें, इस थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप किया जाए? तो इसका बड़ा सा आसान तरीका है, आज से। लेकिन फिर समस्या बात वही आ पाती कि क्या इस डिसिप्लिन को फॉलो करना संभव होगा आपके लिए? आप खुद सोच करके देखें, करीब करीब पिछले 1.25 घंटे से लगातार मेरी आप पर नजर है, और यहां पर भले ही हम लोग ऑनलाइन मिल रहे हों, भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें एक दूसरे से जोड़ रहा हो, लेकिन हमारी यह मीटिंग जो है इनफॉर्मल मीटिंग नहीं है। हमारी यह मीटिंग जो है वह फॉर्मल मीटिंग है, और फॉर्मल मीटिंग और इनफॉर्मल मीटिंग के क्या फर्क होते हैं उसको अक्सर यहां पर मैं मिटता हुआ पाता हूं, और जब उस फर्क को मिटता हुआ पाता हूं तो वो चीजें इरिटेट करती हैं। क्या आप सिचुएशन इमेजिन करें, आप किसी सब डिवीजन के SDM बनने जा रहे हैं, आप किसी सब डिवीजन में DSP बनने जा रहे हैं, और इस मन स्थिति और इस अप्रोचेज के साथ अगर आप BPSC में सेलेक्ट हो भी गए तो विश्वास करें सैलरी उठाएंगे, लेकिन उस SDMs के बीच जो है आपकी अपनी अलग पहचान नहीं होगी। उस अलग पहचान की ना एक कीमत होती है, और उस कीमत को चुकाना पड़ता है, हर कोई चुकाता है। तो जो चीजें मैं कहना चाहता हूं, इसका आसान सा तरीका है, 2 से 3 सेशन में पर डे, ज्यादा नहीं 15 से 20 मिनट, 25 मिनट का समय एक सिटिंग के लिए निकालें, अकेले में बैठें या किसी को साथ लेकर बैठें। किसी को साथ लेकर बैठते हैं तो उसको कहें वो आपसे प्रश्न पूछे, आप उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें,
और अगर कोई नहीं भी हो तो अकेले में बैठे अपने आप से प्रश्न पूछे कि अच्छा अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे। अब एक प्रश्न आपने खुद अपने सामने रखे और उस प्रश्न को आपको दो तरीके से रेस्पॉन्ड करना है। उस प्रश्न को रेस्पॉन्ड करने का पहला तरीका होगा थिंक फॉर ए व्हाइल, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग भी मॉक में देखते हैं उतावलापन आप में दिखाई पड़ता। अगर किसी प्रश्न को जान रहे तो उसी स्थिति में प्रश्न के समाप्त होने की भी प्रतीक्षा नहीं करते, लगता है कि प्रश्न के समाप्त होने के पहले आप कूद पड़ेंगे। और अगर किसी प्रश्न को आप नहीं जान रहे होते तो ऐसा लगता है कि माघ के महीने में किसी ने जो है ठंडा ठंडा पानी जो है सिर पर उरेल दिया हो। तो ये जो स्थिति है बहुत खतरनाक स्थिति है। इस खतरनाक स्थिति को समझे जाने की जरूरत है। जब भी कोई प्रश्न आपके सामने आता थिंक फॉर ए व्हाइल, 2 सेकंड 3 सेकंड का समय लें भले ही आप उसको जान रहे हो। और ये 2-3-4 सेकंड का पॉज क्यों जरूरी है, तो पहली चीज इस बात को समझने की कोशिश करें कि प्रश्न को दिया गया सम्मान प्रश्नकर्ता को दिया गया सम्मान है। 2 सेकंड 3 सेकंड या 4 सेकंड का पॉज लेते तो यह एग्जाम इंटरव्यूअर को यह मैसेज देगा कि आप उनके प्रश्नों को हल्के में नहीं ले रहे हैं, आप उनके प्रश्नों को हल्के में नहीं ले रहे हैं, पूरी गंभीरता से ले रहे हैं, प्रश्नों को सम्मान दे रहे, उन्हें सम्मान दे रहे। नंबर वन पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि ये जो 2-3-4 सेकंड का आपको समय मिलेगा ना, ये 2-3-4 सेकंड का समय आपको जो है अपने आंसर को प्लान करने का अवसर दे देगा। और जो आंसर आप देंगे वो आंसर ज्यादा व्यवस्थित होगा। नहीं, एबरप्टनेस आपके आंसर में नहीं होगा, क्योंकि आंसर में एबरप्टनेस अगर होगा तो काउंटर क्वेश्चन की संभावना होगी, काउंटर क्वेश्चन की संभावना होगी तो उस स्थिति में फंस जाएंगे। क्योंकि आप में से अगर किन्हीं का हिंदी हो तो गोरखनाथ का नाम सुना होगा। गोरखनाथ की एक पंक्ति है, हवकी ने बोलीबा चबक, हवकी ने बोलीबा ठवकी ने चलीबा धीरे धरीबा पांव। हड़बड़ा करके नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ा करके जो बोलते हैं ना उनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, बोलना कुछ बोल कुछ और जाते हैं। इसलिए हड़बड़ा करके नहीं बोलना चाहिए, मतलब काफी सोच विचार कर बोलना चाहिए। अगर सोच विचार करके बोलेंगे तो आपका अपने एक्सप्रेशन पर पूरा पूरा कंट्रोल होगा, और अगर आपका अपने एक्सप्रेशन पर कंट्रोल है तो उसको आप हमेशा बेहतर तरीके से उस पर काउंटर क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। नंबर वन, तो प्रश्न अब आपके सामने मौजूद है तो उस प्रश्न को रिस्पॉन्ड करें। रेस्पॉन्ड करने के बाद रुकें, थिंक फॉर ए व्हाइल, अपने आप सोचे क्या यह बेहतर आंसर है क्या, या इससे भी बेहतर आंसर आप दे सकते। अगर इससे भी बेहतर आंसर आप दे सकते, आपकी नजरों में आपका उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो आप अपने उस आंसर को रिव्यू करें, आंसर को मॉडिफाई करें। और रिव्यू और मॉडिफाई करने का काम तब तक चलना चाहिए जब तक कि आपका आंसर आपकी नजरों में संतोषजनक नहीं हो जाता। 3 बार आपने किया, 4 बार किया, 5 बार किया, अब आपको लगता है कि यह आंसर अब अप टू द मार्क है, यह आंसर एप्रोप्रिएट है, यह आंसर सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, जब आपको लगता कि नहीं अब यह आंसर एप्रोप्रिएट है, तब आप अपने आंसर को सामने रखें
और सोचें कि अगर यह आंसर हम देते हैं तो इस पर काउंटर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। अब फिर उस काउंटर क्वेश्चन को अपने सामने रखें और इस तरीके से अगर आप रिस्पोंड करते, दिन भर में 2 से 3 सिटिंग 15 से 20 मिनट का रोज अभी से आप देते, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आए हैं इंटरव्यू के, तो अगर 2 से 3 दिन का समय, 3 बार समय देते आप, रोज समय देते हैं, तो फायदा यह होगा कि धीरे 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 आपका थॉट प्रोसेस जो है डेवलप होता चला जाएगा। और थॉट प्रोसेस अगर आपका डेवलप होता चला जाता है तो धीरे 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 थॉट प्रोसेस के डेवलप होने के साथ आंसर के एप्रोप्रिएट होने की संभावना और आंसर के सेटिस्फैक्ट्री होने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो ये तरीका है जिस तरीके से आपको आंसर की तैयारी करनी चाहिए। आपको यह समझना चाहिए कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। क्वेश्चंस और आंसर जो हैं वो महज माध्यम हैं। आपको बोर्ड मेंबर के प्रश्नों के माध्यम से यह समझना है कि वे आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या उत्तर जानना आपसे चाह रहे हैं। और उसके अनुरूप आपको अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट करके उनके सामने रखना है। और आपके आंसर के माध्यम से बोर्ड मेंबर आपकी पर्सनालिटी को जज कर रहे होते। इसलिए मैंने कहा नॉट आंसरिंग इज ऑल्सो एन आंसर। आपके लिए वह नहीं होगा लेकिन हमारे लिए वह एक आंसर है। और उस आंसर के माध्यम से हम आपकी पर्सनालिटी के उन पहलुओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिन पहलुओं तक आपकी पहुंच नहीं है या जिनके बारे में आप नहीं सोच रहे। अगेन अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो एक समस्या कई बार देखी गई है। समस्या क्या देखी जाती कि कई बार आपको लगेगा कि बोर्ड का रवैया नकारात्मक है। बोर्ड ने प्रश्न आपसे पूछा, आपने रिप्लाई करना शुरू किया, बीच में आपको रोक करके दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, फिर आपने रिप्लाई करना शुरू किया, फिर आपको रोका जाएगा, फिर तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, फिर रिप्लाई करना शुरू किया। ऐसा क्यों किया जाता? ऐसा करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या है? तो देखें मेंस एग्जामिनेशन में जो आंसर राइटिंग आप करते और इंटरव्यू में जो प्रश्नों को रिस्पॉन्ड करते हैं, दोनों की प्रकृति में एक अंतर होता। अंतर क्या होता दोनों की प्रकृति में? तो पहला बड़ा अंतर अगर आप देखें तो पहला बड़ा अंतर यह होता है कि मेंस में जब आंसर लिख रहे होते तो एक लिमिटेड पीरियड आपके पास होता, टाइम होता, स्पेस होता, और उस लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड स्पेस में ऊपर नीचे करके चीजों को आप रिस्पोंड कर सकते हो। इंटरव्यू में देखें यहां पर एक डिफरेंट अप्रोचेज के साथ सामने आना होता। और वह डिफरेंट अप्रोचेज क्या है? आपको पता है कि बोर्ड मेंबर किसी भी क्षण आपको रोक सकते हैं आंसर देने से और एक नए प्रश्न के साथ आ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कंक्लूजन सबसे पहले दें। यहां पर आपके आंसर की शुरुआत कंक्लूजन से होनी चाहिए ताकि आपका ओपिनियन सामने आ जाए और फिर उस ओपिनियन के आधार क्या है, किस आधार पर आपने वह कंक्लूजन ड्रॉ किया है, उस आधार को स्पष्ट करना शुरू करें। और इस क्रम में ध्यान रखें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह सबसे पहले आने चाहिए और फिर घटते हुए महत्व के क्रम में कारण होने चाहिए।
अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं तो कहीं पर भी आपको रोका जाता, आप वहां पर कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, वहां पर आप घाटे में नहीं रहेंगे। एक चीज। दूसरी चीज जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए वह यह कि आंसर जैसे आप देना शुरू करते हैं ना, एक से दो लाइन ये बतला जाता है कि आप आंसर जान रहे हैं या नहीं जान रहे। अगर हमें पहले लाइन में यह अंदाजा लग गया कि हम आप आंसर जान रहे, तो हम तुरंत शिफ्ट करेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, क्योंकि जो टेस्ट करना था वो हम टेस्ट कर चुके। दूसरे प्रश्न की ओर फिर आपने जवाब देना शुरू किया, हमें लगा यह भी आप जान रहे, फिर तीसरे प्रश्न की ओर। एक रीजन यह हो सकता। दूसरा रीजन अगर आप देखें तो इसके पीछे दूसरा रीजन यह हो सकता है कि आप आंसर देना शुरू कर रहे हैं और एग्जामिनर ने यह इंटरव्यूअर ने यह कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया आप आंसर नहीं जान रहे, आप ब्लफ दे रहे हैं। तब भी उनको जो जानना था प्रश्नों के माध्यम से वो जान चुके, अब वे वहां पर रुकने की बजाय अब एक नए प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इन दो से इतर एक तीसरी स्थिति भी हो सकती है, और इन दोनों से इतर एक तीसरी स्थिति क्या हो सकती है? तो तीसरी स्थिति यह होगी कि बोर्ड मेंबर लगातार आपको अनकंफर्ट सिचुएशन में डालना चाहता, एक अनकंफर्ट इन्वायरमेंट में आपको वह ले जाना चाहता और देखना चाहता है आपके आपके टेम्परामेंट को, आप अपने टेम्परामेंट को बनाए रख पाते हैं या नहीं, आपका अपने नर्व पर कंट्रोल है या नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर आपका नर्व पर कंट्रोल नहीं है तो एक एक करके आपके लिमिटेशन सामने आते हैं, आप दबाव में आएंगे और जैसे आप दबाव में आएंगे आप बिखरते चले जाएंगे। तो मतलब एक स्थिति है कि वो प्रश्न पूछ रहे, आप रिप्लाई करना शुरू कर रहे, इससे पहले कि आप रिप्लाई कर पाए वो दूसरे प्रश्न पर शिफ्ट कर रहे, इससे पहले कि उसको रिप्लाई कर पावे वो तीसरे प्रश्न पर जा रहे हैं नहीं, और उसके पीछे एग्जामिनर की सोच इन तीन तरीकों में से कोई भी हो सकती। कोई जरूरी नहीं है कि आप गलत ही जवाब दे रहे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको लेकर के निगेटिव इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है इसलिए वो काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को समझे, टेम्परामेंट को बनाए रखना यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, इस बात को ध्यान रखें, कोई भी इंटरव्यू होता है उस इंटरव्यू को अगर डिवाइड करें तो पूरे के पूरे उस इंटरव्यू को, अगर 20 मिनट का इंटरव्यू है तो दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता। इंटरव्यू का एक हिस्सा होगा जिसमें पूरा का पूरा इंटरव्यू कंफर्ट जोन में रहा है, और इंटरव्यू का एक दूसरा हिस्सा रहेगा जहां पर इंटरव्यू आपको अनकंफर्ट जोन में दिखाई पड़ता, जहां पर आप मुश्किलों से घेरे दिखाई पड़ते। और एक बात मेरी ध्यान रखिए, आपको जज जो किया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस को जो जज किया जाएगा वह कंफर्ट जोन के आधार पर जज किया जाएगा, अनकंफर्ट जोन के आधार पर आपके परफॉर्मेंस को जज नहीं किया जाएगा। कंफर्ट जोन में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं यह अहम रोल प्ले करेगा, अनकंफर्ट जोन में केवल इस बात को जज किया जाएगा कि आप एडवर्स सिचुएशन में अपने टेम्परामेंट को बनाए रख पाते हैं या नहीं। एडवर्स सिचुएशन में आप टेम्परामेंट तो लूज नहीं करते, आप अपने नर्व पर कंट्रोल तो लूज नहीं करते। तो जब भी आपका इंटरव्यू अनकंफर्ट जोन में है, पेशेंटली वेट करें, पेशेंटली नर्व पर कंट्रोल रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करें, अपने इंटरव्यू के कंफर्ट जोन में आने की प्रतीक्षा करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनकंफर्ट जोन में जो हमारा परफॉर्मेंस है
वो कंफर्ट जोन में हमारे परफॉर्मेंस को प्रभावित करने लगे। और अगर ऐसा होगा तो ये सिचुएशन काफी खतरनाक होगा। अगेन अगर आप देखें तो अगला प्रश्न उभर करके आता है कि जो प्रश्न आपके सामने वहां पूछे जाएंगे वे प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, सोर्स ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, इस चीज को समझे। और जैसा कि बिहार के बारे में आपको पता है, आपके संदर्भ में सारी जानकारियां बोर्ड मेंबर के पास उपलब्ध नहीं होती। आपका नाम पता उनके पास नहीं होता, कोडिंग सिस्टम, तो क्या आपके बारे में कौन सी जानकारियां उनके पास उपलब्ध होती? तो आपके एकेडमिक्स की जानकारियां उनके पास उपलब्ध होंगी, जॉब का अगर बैकग्राउंड है तो उनकी जानकारियां आपके पास उपलब्ध होंगी, आपके ऑप्शनल्स के संदर्भ में जानकारियां उपलब्ध होंगी। और इसके अलावा देखें तो कई बार वो आपसे पूछ सकते कि आप अपना परिचय दीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो उस इंट्रोडक्शन से जो जानकारियां आ रही हैं वो जानकारियां उनके पास उपलब्ध होंगी। तो यहां पर जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि आपके बायोडाटा भले उनके पास नहीं हो, लेकिन मोटा मोटी लेकर के चलें, आपके एकेडमिक्स के बैकग्राउंड के आधार पर आपके होम डिस्ट्रिक्ट तक तो पहुंचा जा सकता है, सामान्यतः वो इंडिकेशन देता है। तो प्राइम सोर्सेज आपका, आपके इंटरव्यू का जो होने जा रहा, जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, वो है आपका बायोडाटा, एक चीज। दूसरी चीज इस बात को ध्यान में रखें, आपका इंटरव्यू 90% आपके बायोडाटा पर फोकस्ड होगा। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि बायोडाटा ही आपके इंटरव्यू के केंद्र में रहे, यह आप पर निर्भर करता है, क्योंकि बायोडाटा के बाहर वो सामान्यतः तभी जाएंगे जब आप उन्हें बायोडाटा में निराश करेंगे। मेरे शब्द पर गौर करेंगे, अगर आप उनको अपने बायोडाटा से बांध कर रख पाने में समर्थ हैं तो आपके बायोडाटा से आपका इंटरव्यू शुरू होगा और आपके बायोडाटा पर आपका इंटरव्यू समाप्त होगा। बायोडाटा से आपका इंटरव्यू तभी बाहर निकलेगा जब आप बायोडाटा पर उन्हें रोक पाने में असमर्थ रहेंगे। और बायोडाटा पर रोक पाने में असमर्थ रहने का मतलब है, इस बात को भी ध्यान रखें, बायोडाटा पर उनको रोक पाने में असमर्थ रहने का मतलब है कि थिंग्स आर गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन। क्योंकि वो जो बायोडाटा है ना, वो आपकी पर्सनल हिस्ट्री है, और उस पर्सनल हिस्ट्री का हिस्टोरियन कौन है? वो जो पर्सनल हिस्ट्री है, उस पर्सनल हिस्ट्री के हिस्टोरियन आप हैं। जितनी आपको जानकारी है उससे अधिक किसी को जानकारी नहीं है। और अगर आप वहां पर संतुष्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है, जिसको आपने अपने जिंदगी में सबसे करीब से देखा है, तो क्या आपको लगता है किसी नए माहौल, किसी नए परिवेश में एक प्रशासक के रूप में आप जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वहां की परिस्थितियों को समझते हुए वहां के अनुरूप आप अपने आप को ढालने में समर्थ होंगे? क्यों होम डिस्ट्रिक्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं अधिक? क्यों होम स्टेट पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? इसका रीजन यही है कि चाहे आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो,
चाहे आपका होम स्टेट हो, इसको आप 24 वर्षों, 25 वर्षों, 26 वर्षों, 30 वर्षों, 35 वर्षों से देख रहे हैं, उस परिवेश से जुड़े हुए, और अगर आप उसके प्रति अवेयर नहीं है, क्योंकि आप केवल एक स्टूडेंट नहीं है, आप एक सिटीजन भी हैं, इंडियन रिपब्लिक के एक सिटीजन भी हैं, और इंडियन रिपब्लिक के सिटीजन होने के नाते जो हैं, एक सिटीजन के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इस बात को भी समझे जाने की जरूरत है। अगर आप एक सिटीजन के रूप में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर पाने में समर्थ नहीं है, तो कैसे यह उम्मीद की जाए कि आप एक प्रशासक के रूप में अपनी जिम्मेवारियों के निर्वाह में समर्थ होंगे। तो जो एक जनरल पैटर्न देखा गया, अगर आप जॉब बैकग्राउंड से हैं, तो इंटरव्यू में जॉब बैकग्राउंड, जॉब पर प्रश्नों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। अगर आप जॉब बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उस स्थिति में गैप ईयर पर नजर रखिएगा। एकेडमिक्स आपने जहां छोड़ा और अभी जहां पर हैं, तो उसके बीच टाइम इंटरवल होगा, तो गैप ईयर पर, गैप पर लगातार प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। और यहां पर फिर मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी आंसर उनके लिए कन्विंसिंग होगा या नहीं होगा यह उन पर निर्भर नहीं करता। कोई भी आंसर उनके लिए कन्विंसिंग होगा या नहीं होगा यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर वह आंसर आपके लिए कन्विंसिंग होगा तो उनके लिए भी कन्विंसिंग होगा, अगर वह आंसर आपके लिए कन्विंसिंग नहीं है तो उनके लिए भी कन्विंसिंग नहीं है। पहली चीज समझे। दूसरी चीज समझे कि जैसे वह देखेंगे कि आप आंसर दे रहे हैं और उनके चेहरे, उनके हाव भाव से आप ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आंसर उनको कैसा लगा, वैसे ही उन्हें लग जाएगा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली स्थिति, जब इस लड़के को खुद भरोसा नहीं है कि हम एक बेहतर आंसर दे रहे हैं तो हम क्या इसको जज करें। तीसरी चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, वह कि मैटर यह नहीं करता। देखे, देखने का नजरिया है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बीहोल्डर्स। मैंने कई बच्चों को देखा है, एक बच्चा था जो सिविल सर्विसेज में, मुझे लगता है ये बात 2008-09 के आसपास की होगी, बिहार के सुपौल का बच्चा था, सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करता है, और उसके इंटर और ग्रेजुएशन के बीच 11 वर्षों का अंतराल था, 11 वर्षों का अंतराल, मैट्रिकुलेशन में भी थर्ड डिवीजन, इंटर में भी थर्ड डिवीजन, ग्रेजुएशन में सेकेंड डिवीजन, 11 वर्षों का यह अंतराल था, और उसके बावजूद वह क्वालिफाई करता है। तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, इतने दिन तक कर क्या रहे थे, तैयारी करना कोई अपराध तो नहीं है, जो अटेम्प्ट दिए गए हैं, जो एज क्राइटेरिया फिक्स की गई है उसी के दायरे में रहते हुए तो आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर ऐसा है तो दैट मस्ट बी, यू मस्ट बी कन्विंस्ड विथ योर सेल्फ, आपको यह पता होना चाहिए, ये गैप होना यह अपराध नहीं। हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है, हर आदमी के लर्न करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और हर आदमी जो है उसके रेस्पॉन्ड करने, रेस्पॉन्सिवनेस हर आदमी का अलग अलग होता है। तो आपको वहां पर कहना चाहिए, कम से कम ये चीजें आपके लिए कन्विंस होनी चाहिए, आप उससे कन्विंस्ड आपको होना चाहिए कि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने तैयारी किया, और यह तो पॉजिटिव है कि लगातार मिलने वाली असफलताओं के बावजूद आप लगातार लगे रहे, और उस लगातार लगे रहने का परिणाम है कि आज आप इंटरव्यू दे रहे हैं। सफलताओं ने आपको तोड़ा नहीं है,
असफलताओं ने आपके हौसले को नहीं तोड़ा, हर असफलता आपको मजबूत कर रही है और उस असफलता से लड़कर आप दुगुने जोश और उत्साह के साथ आज यहां पर खड़े हैं और आपको सफलता मिलनी है। एक प्रेजेंट करने का तरीका यह है, और दूसरा प्रेजेंट करने का तरीका है कि लगेगा पता नहीं गैप ईयर पर क्या आंसर दें, कन्विंस हमारे आंसर से होंगे या नहीं, नहीं तो पता चला गैप ईयर पर प्रश्न पूछे और जैसे इंटर किया उस समय से सोच रहे थे काश इस प्रश्न से बच जाएं, काश इस प्रश्न से बच जाएं, और जैसे गैप ईयर पर प्रश्न आया लगा कि अब तो धरा गए, और जब आंसर दे रहे हैं तो एक अपराध बोध के साथ दे रहे हैं। तो अपराध बोध की मौजूदगी होती बतलाएगी कि एज ए स्टूडेंट आपने अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं किया है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत। तो पहली चीज जॉब को प्राथमिकता दी जाएगी, दूसरी चीज अगर जॉब नहीं है, अगर गैप ईयर है तो वहां पर चीजें जाएंगी, तीसरी चीज अगर आप देखें तो अगर आपके ऑप्शनल्स और एकेडमिक्स के जो पेपर हैं अलग अलग हैं, मतलब ये ट्रेंड बतला रहा, अगर आपके ऑप्शनल्स और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर अलग अलग हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो आपके एकेडमिक्स पर जाकर के वहां से प्रश्न उठा करके पूछे, पूरी पूरी संभावना है, और आपको इसके लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए। हां इसमें एक दिक्कत हो सकती है, दिक्कत ये हो सकती है कि एकेडमिक्स के पेपर को छूटे हुए जमाना हो गया, दैट मे बी पॉसिबल। तो जो एकेडमिक्स का पेपर है, जो बैकग्राउंड आपका है, दो पार्ट में डिवाइड कर दें, बेसिक्स और एडवांस स्टेज के इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग। बेसिक की तो अंडरस्टैंडिंग के आपसे उम्मीद की जा सकती, और अगर बेसिक की अंडरस्टैंडिंग पर आप उनको कन्विंस करते हैं तो एडवांस पर अगर आपने अपने लिमिटेशन को स्वीकार भी लिए तो फर्क नहीं पड़ेंगे। लेकिन मेरी बात एक ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न अभी आपको सबसे आसान लगते हैं बेसिक से जुड़े हुए, वे प्रश्न वास्तव में सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, उन प्रश्नों को रेस्पॉन्ड करना वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बेसिक से जुड़े हुए प्रश्नों को लाइटली नहीं लीजिएगा। तो एकेडमिक्स के बाद अगर आप देखें तो फिर वो ऑप्शनल से जुड़े हुए प्रश्न पूछते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए प्रश्न पूछेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए वे प्रश्न पूछ सकते, होम स्टेट, यहां तो चूंकि स्टेट पीसीएस है तो आपका जो स्टेट है उससे जुड़े हुए प्रश्न वहां पर उठा करके पूछे जा सकते। और अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सबसे इतर अगर आप हट करके देखें तो करेंट से भी उठा करके वो लगातार प्रश्न पूछ सकते। जैसे अभी की स्थिति में यूपीपीसीएस का भी इंटरव्यू चल रहा, और यूपीपीसीएस के इंटरव्यू में जाकर के देखें तो कोविड क्राइसिस, लॉकडाउन, इंडो चीन, इंडो नेपाल से जमकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आगे भी बिहार पीसीएस में भी यहां से उठा करके, क्योंकि ये समस्या समाप्त अभी नहीं होने जा रही है, यहां से जमकर के प्रश्न वहां से भी उठा करके पूछे जाने की संभावना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपसे आपकी हॉबी और इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता, और वहां पर आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो प्रश्न के दायरे जो होंगे वो प्रश्न इस दायरे से बाहर नहीं होंगे, और इसलिए जो अप्रोचेज आपका होना चाहिए तैयारी का, न्यूज़पेपर की रीडिंग अनिवार्यता होनी चाहिए, न्यूज़पेपर की रीडिंग अनिवार्यता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा, बायोडाटा को तैयारी में प्रमुखता दें,
जो ग्रुप में ईमेल एड्रेस डाले गए हैं और ग्रुप में जो इंटरव्यू के लिए फॉर्म डाला गया है, कंप्लीटनेस के साथ उस फॉर्म को भर के उस ईमेल एड्रेस पर आप भेजें, ताकि मंडे से बायोडाटा एनालिसिस का काम हम लोग शुरू कर सकें। बायोडाटा एनालिसिस का काम हम मंडे से शुरू कर सकें। दूसरी चीज, क्योंकि बायोडाटा एनालिसिस में हमारी कोशिश होगी गूगल मीट के जरिए ही 3-4 लोगों के बायोडाटा को एक साथ हम लेंगे, जो बायोडाटा मिलते जुलते हों, और 1.5 से 2 घंटे में उस बायोडाटा से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते, कौन से ग्रे एरिया हैं, उनको आपके सामने पुट अप करेंगे और वहां से आप अपनी तैयारी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सर्विसेज प्रिफरेंस है, उस सर्विसेज प्रिफरेंस पर भी एक क्लास मैं लूंगा। क्लास हमारे कंप्लीट होंगे, नेक्स्ट क्लास जो मैं लेने जा रहा हूं, सूचना आपको ग्रुप के जरिए मिल जाएगी। करेंट नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक और 3 से 4 क्लासेज बिहार स्पेसिफिक होंगे। बिहार की सोसाइटी, बिहार का कल्चर, बिहार का की राजनीति, चूंकि चुनाव भी नज़दीक है, ठीक है, कोरोना ने जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन उत्पन्न किया है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 4 क्लासेज यहाँ पर बिहार पर स्पेसिफिक होकर लेने होंगे। इसके अलावा सर्विसेज प्रेफरेंस पर एक क्लासेज मैं लूंगा और अपार्ट फ्रॉम दैट हॉबीज पर क्लासेज लूंगा। ऑप्शनल पर 6-7 ऑप्शनल हमारे टारगेट में हैं, जहां पर हम लोग क्लासेज लेंगे। हिंदी लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, LSW हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो मोटा मोटी एंथ्रोज हो गया, मोटा मोटी इतने ऑप्शनल को हम लोग कवर अप करेंगे। मॉक जो है, मॉक हम लोग इस वीक के बाद शुरू करेंगे। एक बार थोड़ी सी तैयारी आप कर लें, उसके बाद मॉक हम लोग शुरू करेंगे। अभी हमारे मॉक सेशन जो है गूगल मीट के जरिए होंगे। मॉक में बोर्ड मेंबर की बात है, तो लास्ट टाइम भी हमारे यहां BPSC के एक्स चेयरमैन आए हुए थे, ओम प्रकाश राय जी, रिटायर्ड कर्नल केशव कुमार सिंह जी थे, और यह हमारा संयोग रहा कि बाय डिफॉल्ट हम लोगों की केशव सर से मुलाकात हो गई रोशन सर के थ्रू। और जब केशव सर से मुलाकात हुई, तो चूंकि वो जब सेना में थे तो वहां पर SSB को वो हैंडल करते थे, उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी उनको, तो केशव सर हमारी टीम में हैं। कई सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, BPSC से भी जुड़े हुए, UPSC से भी जुड़े हुए, प्लस एक्सपर्ट के एकेडमिक एक्सपर्ट के हमारे अपने पैनल हैं जो मॉक की टीम में उपलब्ध होंगे। 2-3 चीजें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ चलना चाहते, हमारे प्रोग्राम के साथ चलना चाहते, तो 2 चीजों की सख्त जरूरत होगी। एक भरोसे की जरूरत होगी। जब तक हम पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। और अगर भरोसा नहीं है तो मैं कहूंगा 1 सेकेंड का भी समय देना बेकार है। और इसी के साथ दूसरी बात मैं कहूंगा कि हम पर भरोसा करने के लिए आपका अपने ऊपर भरोसा जरूरी है। जो आदमी अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा।
ये मैं एश्योर करता हूं अपने जीवन के अनुभवों से। तो एक भरोसे की जरूरत होगी, और दूसरी चीज जिसकी जरूरत होगी वो है पेशेंस। कंप्लीट पेशेंस चाहिए। हमारी कोशिश होगी लास्ट टाइम के जो बीपीएससी टॉपर हैं, श्रेयांश तिवारी, तो हमारी कोशिश होगी एक सेशन श्रेयांश के साथ भी आपका हो जाए। अभी यूपी का भी वो इंटरव्यू दे रहा था और संयोग से यूपीएससी के अटेम्प्ट भी वो दे रहा है, एक सेशन उनके साथ करवा दूं, या ऐसे जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके साथ कुछ सेशंस आपके मिले। केशव सर के साथ एक सेशन करवाना ये मेरी अपनी प्राथमिकता है। ठीक है, हम लोग तो आपके साथ उपलब्ध हैं ही। तो ये पूरा का पूरा जो है, हमारा पूरा का पूरा प्लान है। डिटेल शेड्यूल हम ग्रुप में उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन दो तीन चीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। ठीक है, बार बार आग्रह इस चीज के लिए करूंगा कि ग्रुप को भेरिया धसान ना बनावे। जो मन हो रहा है लिख रहे हैं, आप इस चीज को समझें कि जितने लोग उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं सबको परेशानियां होती हैं। उस ग्रुप को लिमिटेड इंफॉर्मेशन तक के लिए रहने दें जो कि इससे रिलेटेड प्रोग्राम इससे रिलेटेड हो। पर्सनली आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, मेरा नंबर आपके पास उपलब्ध है, उस नंबर पर आप पर्सनल मैसेज कर लें, या किसी के साथ कम्युनिकेट करना है आप मैसेज कर लें। बायोडाटा हमारे पास आ जाएंगे तो 3 से 4 दिन का समय लूंगा बायोडाटा को कैटेगराइज करने में, ताकि एक ऑप्शनल के, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसके कितने लोग हैं, ताकि उनका एक ग्रुप बना दूं और हमारी हिस्ट्री के जो फैकल्टी हैं उस ग्रुप के साथ अटैच हो जाए और फिर आपका उनके साथ इंटरेक्शन चलता रहे। हिंदी लिटरेचर के साथ वही काम मैं करूंगा, वही काम मैं LSW सोशियोलॉजी के साथ करूंगा, वही काम पॉलिटिकल साइंस पवेड के साथ किए जाएंगे। इस बात को समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए। विजन के साथ अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत चीजें आसान होंगी। ठीक है, लेकिन विजन के साथ चलने के लिए स्थिरता आवश्यक है। भागदौड़ करेंगे तैयारी करते आप दिखेंगे तैयारी होगी नहीं, और इसका एहसास तब होगा जब अचानक से प्रेशर बिल्डअप करना शुरू होगा, और जैसे प्रेशर बिल्डअप करेगा वहां पर कोलैप्स आप करते चले जाएंगे। तो इसीलिए अब मैं अपनी बातों को कंक्लूड करना चाहूंगा। पहली चीज जो मैं कहूंगा, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट टू योर एक्सप्रेशन, नंबर वन। नंबर टू, दूसरी चीज जिस पर मैं कहूंगा, इंटीग्रिटी मस्ट है, इंटीग्रिटी मस्ट है। और इंटीग्रिटी का मतलब क्या है जानते हैं? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा हो रही है और बॉर्डर डिस्प्यूट के समाधान में जो चीन अरंगेबाजी कर रहा है, जब उसके बारे में बात कर रहा हूं तो आप कह रहे हैं चीन वहां पर गलत है, और जब भारत नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट की बात हो रही है तो वहां पर आप नेपाल को गलत ठहरा रहे हैं भारत की अरंगेबाजी की अनदेखी करते हुए, तो मेरी नजरों में आपकी पर्सनालिटी में इंटीग्रिटी का अभाव है। जो गलत है वो गलत है, भारत करे तब भी गलत है और चीन करे तब भी गलत है। इंटीग्रिटी का मतलब मेरी नजरों में ये है। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी आप में होनी चाहिए, आपकी पर्सनालिटी जो है प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, डोंट ट्राई टू इंप्रेस द बोर्ड मेंबर। ध्यान रखें, जस्ट ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ,
अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, बोर्ड मेंबर को इंप्रेस करने की कोशिश मत करें। जिस मोमेंट पर बोर्ड मेंबर को यह लगा कि आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे, वहां से चीजें निगेटिव जानी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुरंत उनको लगेगा कि आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहे। और जैसे डाउट क्रिएट होगा, तो डाउट क्रिएट होने पर वो रिस्क नहीं लेंगे। तीसरी चीज जो मैंने कहा, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात नो बुर्यात और सत्यम अप्रियम। चौथी चीज, यह औपचारिक संवाद है। बोर्ड मेंबर कितने भी अनौपचारिक हों, आपको उस औपचारिकता का निर्वाह करना है, आपको अनौपचारिक नहीं होना है, क्योंकि अनौपचारिक होंगे तो दायरे का अतिक्रमण करेंगे और गलतियों की संभावना बढ़ती चली जाएगी। कोई कितना मैं हूं या कोई कितना भी कुछ कहे, देखिए एक प्रवृत्ति क्या होती, जैसे इंटरव्यू होना शुरू होगा ना, तो कुछ लोग डायरी लेकर के और कलम लेकर बीपीएससी के गेट पर प्रतीक्षा करेंगे, बाहर से लोग निकल रहे हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है ये पता करें। अरे वास्तव में अगर मुझसे पूछें, मैं अगर आपका मॉक लेने बैठा हूं, ठीक है, तो मैं क्या प्रश्न पूछूंगा? शुरुआती एक दो प्रश्न का हमें अंदाजा होता, उसके बाद का अंदाजा नहीं होता। पहला प्रश्न हमारे नियंत्रण में होता, या फिर कहीं पर नए प्रश्न लेकर के आ रहे हैं वहां पर हमारा नियंत्रण होता। उसके बाद क्या प्रश्न पूछूंगा यह आपके आंसर पर डिपेंड करता है, यह आपके आंसर पर डिपेंड करता है। तो जैसे आप प्रश्नों क्या पूछा जा रहा है यह पता करने आप बीपीएससी तक दौड़ लगाना शुरू करते, आप विश्वास करें आपकी इंटरव्यू की तैयारी की कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी, और कोई स्ट्रेटजी नहीं होगी तो कोलैप्स करना ही आपकी नियति है। मैं डरा नहीं रहा आपको, लेकिन जस्ट मैं इशारा करना चाह रहा हूं कि किन गलतियों से हमें परहेज करना है, वे कौन कौन सी गलतियां हैं जो सामान्यतः लोग करते, जिन गलतियों को दोहराने से हमें परहेज करना है। क्योंकि देखें, ये एक बाजार है, ये एक बाजार है, और निदा फाजली के शब्दों में कहें तो बाजार की जो स्थिति है कि कभी कभी हमने यूं ही अपने जी को बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। मुझे लगता कि सबसे ज्यादा बच्चा कॉन्फिडेंट होता है जब प्री की तैयारी करने आता, और सबसे बच्चा दबाव में होता है जब वह इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता और इंटरव्यू देने जा रहा होता। जो आज तक प्री ने क्वालिफाई किया होगा वो भी चार सजेशन लेकर के आपके सामने उपलब्ध होगा, और आपकी मनाही स्थिति कुछ ऐसी होगी कि आप उसको भी बर्दाश्त करने के लिए बाध्य होंगे, और उसकी भी बात कई बार मानते हुए दिखाई पड़ेंगे। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे। इसलिए बंधु, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, मेरा एक ही मैसेज है। यह हमारा प्रोग्राम पर्सनालिटी चेंज प्रोग्राम नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि इंटरव्यू प्रोग्राम को लोगों ने पर्सनालिटी चेंज प्रोग्राम बना दिया है। यह पर्सनालिटी चेंज प्रोग्राम नहीं है, यह पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। हमें आपको बदलना नहीं है, ठीक है। अगर भात दाल भुजिया ही खिला रहे, भात दाल चोखा ही खिला रहे हैं, तो कैसे कैसे उसको परोसा जाए ताकि खाने वाले को देख करके जो है अंदर खाने की इच्छा उसके अंदर प्रबल हो जाए, हमें केवल यह काम करना है। हम यहां पर पॉलिशिंग के लिए हैं, हम यहां पर प्रेजेंटेशन को फोकस करेंगे, अपनी ओर से कुछ नया नहीं कहेंगे। बस हमें एक ऑप्शन देना है कि देखो, इन्हीं बातों को अगर इस तरीके से सोचो और इस तरीके से रखो तो तुम खुद सोच करके देखो क्या बेहतर है। क्लियर? तो ये ओवरऑल हमारे डायमेंशन ही, लगातार हमारी चर्चा आपके साथ होगी, और फिर मैं ये आग्रह करूंगा, डेकोरम को बनाए रखें। और जब भी आप ऐसे
मेरे यहां ही नहीं, कहीं भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जो भी शुरू करेंगे वो ऑनलाइन के फॉर्म में ही शुरू करेंगे, डिजिटल ही क्लासरूम होगा, ठीक है। तो एक आग्रह हमारा होगा, जहां पर भी जाते हैं डेकोरम मेंटेन करें। आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं और बीपीएससी का इंटरव्यू देते हुए खाली देह और बनियान पहन करके अगर आएंगे, तो आप इस बात को समझें कि इस प्लेटफॉर्म पर जो है 100+ में आज बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब हैं, क्या इस तरह का बिहेव मर्यादित है? क्या इस तरह की चीजें शोभा देती हैं? मतलब इतना तो सोचना चाहिए। और अगर आप इतना सोचने में समर्थ नहीं हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आप इसके लायक नहीं हैं। माफ कीजिएगा मुझे। इसलिए मतलब प्लेटफॉर्म की सेंक्टिटी को बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। या अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को ऑफ रखें ना, आपको जैसे भी रहना है, ये विकल्प है ना। बहुत लोगों के वीडियो ऑफ हैं, मैंने भी आते के साथ ही ये बातें कही, ठीक है। रेस जो है, इसकी जो भी डिटेल होगी वो ग्रुप में राहुल सर के जरिए आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद चाहूंगा कि आप लोगों की अगर पर्सनल कोई क्वेरी है तो मैं उसको